ठीक है, भूमि में ढलान के संबंध में मैंने जो एक वाक्य बनाया हुआ है वो वाक्य ये है कि भूमि में विपरीत ढलान दिशा के कारकत्व को क्षय कर देता है एवं प्रभाव को विपरीत कर देता है। मतलब अगर किसी भूमि में जैसे ढलान इधर की तरफ नहीं होना चाहिए और उस तरफ में ढलान है तो उस दिशा का जो कारकत्व है, कारकत्व बोलते हैं जो पॉजिटिव चीजें हैं उसको क्षय करता है और निगेटिव चीजों को बढ़ा देता है, उसके विपरीत प्रभाव भी देता है। तो किस किस दिशा में भूमि में ढलान नहीं होना चाहिए, किस किस दिशा में ढलान होना चाहिए, ये आज हम देखेंगे साइंटिफिक वे में। साइंटिफिक वे बोलने का आजकल जो बोला जा रहा है ना, साइंटिफिक वे में, ये नहीं आपको भी समझ में आएगा कि ये वास्तव में ऐसा कुछ हो रहा है। अभी हम लोग केवल और केवल मिट्टी के बारे में पढ़ रहे हैं कि जमीन खरीदने जाते हैं ना, जैसे जमीन खरीदेंगे तो कैसे खरीदेंगे, जमीन में हमें क्या दिखना चाहिए। एक थंब रूल वास्तु का आप सीधा समझ लो, किसी भी जमीन पर जाके खड़े हो जाओ और अपने भाव दशा को देखो कि मैं कैसा हो गया हूं या हो गई हूं। जैसा उस टाइम आपका शरीर हो जाए, शरीर आपका यंत्र है, आप शरीर से पूछिए उस टाइम में कि कैसा हो गया है, इसको आप वॉच करिए। जैसा शरीर आपका हो गया है वो भूमि का टुकड़ा उसी टाइप का है, इसलिए इसको चार वर्ण में बांटा गया है, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय और शूद्र। ये आपने देखा है पिछले वीडियो में दे चुका हूं, इस पे हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, 12 वीडियो अभी तक आ चुके हैं और ये 13वां वीडियो है जो मैं ऐसे इस तरह से आके दे रहा हूं। इससे पहले फेसबुक पर मैं देता था, उसी को काट के थोड़े थोड़े रूप में ये वीडियो मैं दे रहा था और अभी तक जितना दिया है वो भी परफेक्ट है, अच्छा है। अगर फिर भी उसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर लेना, मैं उसको उसी वीडियो पे कमेंट करना, मैं उसको आपको समझा दूंगा। जैसे हम लोग जमीन खरीदने गए, ये भूमि का टुकड़ा जो मैं ले रहा हूं वो है किस प्रकार का, ये हमने देख लिया। इसके बाद उसका परीक्षण करने के लिए दे चुका हूं मैं, भूमि का आकार देखते हैं, किस आकार की भूमि है, उस आकार की भूमि हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। राशि वगैरह भी देखते हैं, ये अभी धीरे धीरे आएगा इसमें। उसके बाद प्रकार देखते हैं, किस प्रकार की भूमि है। उसके बाद रास्ता देखते हैं कि इसके चारों तरफ कितने तरफ रास्ते आ रहे हैं, कोई टी पॉइंट पे तो मकान नहीं बनेगा यहां पर, ये भी मैं पिछले दे चुका हूं पीछे में। भूमि का कट क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होता है, मतलब वृद्धि किधर है और कटान किधर है, ये देखते हैं भूमि में। उसके बाद आठों दिशाओं की कटान हमने पहले पढ़ लिया है, आठों दिशाओं की वृद्धि हमने पहले पढ़ ली है, यहां तक हमने कर लिया है। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है भूमि में ढाल, भूमि में ढलान किधर होनी चाहिए और उससे क्या फायदा और क्या नुकसान है, ये आज आज का टॉपिक है भूमि में ढलान। ठीक है, भूमि में ढलान के संबंध में मैंने जो एक वाक्य बनाया हुआ है वो वाक्य ये है कि भूमि में विपरीत ढलान दिशा के कारकत्व को क्षय कर देता है एवं प्रभाव को विपरीत कर देता है। मतलब अगर किसी भूमि में जैसे ढलान इधर की तरफ नहीं होना चाहिए और उस तरफ में ढलान है तो उस दिशा का जो कारकत्व है, कारकत्व बोलते हैं जो पॉजिटिव चीजें हैं, उसको क्षय करता है और निगेटिव चीजों को बढ़ा देता है, उसके विपरीत प्रभाव भी देता है, कारकत्व के विपरीत प्रभाव देता है। तो किस किस दिशा में भूमि में ढलान नहीं होना चाहिए, किस किस दिशा में ढलान होना चाहिए, ये आज हम देखेंगे साइंटिफिक वे में। साइंटिफिक वे बोलने का आजकल जो बोला जा रहा है ना, साइंटिफिक वे में, ये नहीं आपको भी समझ में आएगा कि ये वास्तव में ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक, अब हम चलते हैं भूमि में ढलान की तरफ। भूमि में ढलान का मतलब क्या होता है, किसी भी ढलान का मतलब क्या होता है, प्लॉट का या घर का वो हिस्सा जहां पर द्रव पदार्थ अपने आप पहुंच जाए, उसको रास्ता दिखाना ना पड़े। मतलब पानी हमने कहीं पर ऐसे छोड़ दिया, ढलान जहां है पानी अपने आप वहां पर पहुंच जाएगा, लिक्विड जो भी है वो ढलान की तरफ पहुंच जाएगा, वो रास्ता बना लेता है अपने आप ढलान की तरफ। ढलान का पॉइंट, ढलान ऐसे देखा जाएगा, हमेशा आप
के पास जमीन ही पड़ी रहेगी और उसी पे आप देखेंगे इसका ढाल किधर है, यही तो होगा नहीं। आपका घर भी है, बना हुआ मकान भी है, उसमें भी आप देख सकते हैं ढाल किस तरफ है। आप पानी छोड़ दो ब्रह्म स्थान पर, फैला दो तो देखो किधर किधर पानी जा रहा है। अगर वो पानी साउथ वेस्ट में जा रहा है ढलान होके तो उसका मतलब कुछ और बन जाता है, वो पानी साउथ ईस्ट में जा रहा है ढलान होके तो उसका मतलब कुछ और हो जाता है, वो पानी अगर नॉर्थ में जा रहा है ढलान होके तो उसका मतलब कुछ और हो जाता है। कुछ पॉजिटिव में होता है, कुछ निगेटिव में होता है। इसी तरह से हम भूमि का ढलान देखेंगे कि भूमि का ढलान हमने डाला किधर है। अब शास्त्र में ढलान को क्यों लिया गया है, किस हिसाब से लिया गया है, क्यों बोला गया है कि ढलान इस दिशा में होना चाहिए और इस दिशा में नहीं होना चाहिए, इसको हम लोग देखेंगे। एक थंब रूल है कि आप इसको ऐसे काट दो, ये हिस्सा भरा हुआ होना चाहिए और ये हिस्सा अपेक्षाकृत खाली होना चाहिए। भरा हुआ मतलब कंस्ट्रक्टेड, मतलब हमने नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट पे एक रेखा लगा दी, इसके इधर वाला हिस्सा भरा हुआ होना चाहिए और दूसरे साइड वाला हिस्सा, ईस्ट और नॉर्थ वाला हिस्सा खाली होना चाहिए अपेक्षाकृत साउथ और वेस्ट के। ठीक, ये वास्तु का एक थंब रूल है। आपको मकान कैसे बनाना है कुछ नहीं पता है, इस हिसाब से आप मकान बना लो तो भी बहुत कुछ पॉजिटिव होगा इसमें। अब ये थंब रूल क्यों बना, यहां हम चलते हैं थोड़ा ज्योग्राफी की तरफ और शास्त्र ने ऐसा क्यों दिया उस हिसाब से हम चलते। देखिए ढलान का कारण क्या है और जो हमने थंब रूल अभी पढ़ा है उसका कारण क्या है, शास्त्र ने ऐसा क्यों दिया, ये अर्थ है, ये सन है। अर्थ का जो रोटेशन होता है, जो पृथ्वी घूमती है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है जिससे दिन और रात होते हैं। इतना तो हमने पढ़ा हुआ है कि केवल दिन और रात होते हैं। हमारे पंचांग ने बताया है कि दिन और रात ही नहीं होते, आठ प्रहर होते हैं, इसमें आठ प्रहर होते हैं, मतलब समय आठ हिसाब से बदलते हैं। एक दिन रात में हमने देखा है इंग्लिश में कि 12 घंटे और 12 घंटे बदल गया, ऐसा नहीं होता, आठ हिसाब से आठ तरीके से समय बदलता है। इसमें समय कैसे बदलता है, आठ प्रहर में। अब देखिए दिन के प्रहर में पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न और सायंकाल, रात के प्रहर में प्रदोष, निशित, त्रियामा और उषा, ये जितने भी प्रहर हैं अपने अपने में गजब के प्रहर हैं। समय ढलता जाता है, पृथ्वी उस तरह से रूप लेती चली जाती है। इसको हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे विद्वानों ने जो पहले ज्ञानी थे इसको अलग अलग नाम दिया जिस जिस टाइप से ये हैं। देखिए कैसे है, पूर्वाह्न है, ये सूर्योदय मान के चलिए 6 बजे से 9 बजे तक के लिए है या 6:30 से 9:30 बजे तक के लिए है। पृथ्वी की ये स्थिति दोबारा 24 घंटे बाद ही आ पाती है। पृथ्वी की ये स्थिति वो स्थिति होती है जब पूरा संसार, पूरी प्रकृति खिल रही होती है, पेड़ पौधे सारी चीजें जितने मनुष्य को छोड़ के इस समय सब जल चुके होते हैं, खिल चुके होते हैं, बाहर आ चुकी होती है इस समय में। इसके बाद पीक टाइम पे पहुंचते हैं हम 9 से 12, ये पृथ्वी की स्थिति है। आप इसको इससे कनेक्ट करेंगे, हम इससे जो अभी थंब रूल देखा था हमने उससे कनेक्ट करेंगे इसको, इससे कि आखिर इधर ही खाली क्यों रखा गया, इधर ही भरा हुआ क्यों रखा गया। पृथ्वी जब पैदा होती है सूर्य के पास दोबारा डेली, फिर मुरझा जाती है, शाम तक जाते जाते, सायंकाल तक जाते जाते सारे पेड़ पौधे अपने दूसरे जोन में चले जाते हैं, मुरझा गए होते हैं।
प्रकृति अपने हिसाब से एक अलग साइकिल चल रही होती है। ये दोनों जो प्रहर है 6 से 9 और 9 से 12 वाला, ये कल ही आएगा दोबारा। अब देखिए होता क्या है, क्यों लिया गया है ढलान इस हिसाब से दिखाया गया है। मैंने इसलिए कहा है कि ये दोनों जो टाइम है ना, ये ऐसे ही जगह पर रहने वालों को मिलेगा, उन्हीं जगह पर रहने वालों को मिलेगा। अब हम फिर ढलान की तरफ चलते हैं कि ढलान कैसे हो, ये तो समझ में आ गया होगा क्योंकि ये ज्योतिष का टॉपिक है, पंचांग का टॉपिक है। तो इसमें अगर आपको कोई डाउट लगा हो तो आप कमेंट में डाल देना, उसके बाद या तो मैं वीडियो पे ही बोल दूंगा कभी आगे, या मैं कमेंट में ही इसका जवाब दे दूंगा। अब देखिए ढलान का कॉन्सेप्ट कैसे आया। जैसे हमने देखा वास्तु में एक थंब रूल है, ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ, ये एरिया भरा हुआ होना चाहिए और ये एरिया अपेक्षाकृत खाली। इसका क्या मतलब हुआ, आप कंस्ट्रक्शन करिए वो इस एरिया में करिए, जो भी करेंगे कंस्ट्रक्शन वो इस एरिया में करिए, इस एरिया में आप हल्के वाला कंस्ट्रक्शन करिए जहां पर ज्यादा भारी न लगे। जो वास्तु का कॉन्सेप्ट है वो इस हिसाब से है। क्यों है वो देखिए, सूरज आया ईस्ट में, ये है जो हमने 2 प्रहर देखा था, पूर्वाह्न और मध्याह्न, वो पृथ्वी की जीवंतता होती है हमारे लिए। उस समय सूरज हमारे लिए जीवंत होता है, सूरज की रोशनी हमारे लिए जीवंत होती है। ये एरिया, इसको आप उल्टा कर दो कि ये एरिया भर गया और ये एरिया खाली हो गया, तो उस घर में सूरज की रोशनी नहीं आ पाएगी। जो सुबह सुबह की रोशनी है, जो आपको जगाती है, जो आपको आगे बढ़ाती है, जो रोशनी जो कहती है जग उठ जीवंत हो जा, वो रोशनी नहीं आ पाएगी, वो रोशनी कट जाएगी वहां से। वहां रहने वालों की समस्याएं क्या क्या होंगी वो तो हम आगे अभी दिशाओं के समस्या में, दिशाओं के एट्रीब्यूट्स में देख लेंगे। अभी अभी ये थंब रूल क्यों बना, ये थंब रूल जो हमने 8 प्रहर देखे हैं उस हिसाब से बना कि पृथ्वी पर पूरब से पहली किरण जो आती है। अब इसमें देखिए, अगर इसमें ढलान ना हो, ढलान अगर विपरीत दिशा में हो, कभी मान के चलिए कि एक ये प्लॉट है या आपका घर है, यहां पर हमने पानी फैलाया, ये आपका ईस्ट है, ये आपका साउथ है, वेस्ट और नॉर्थ है, ये पानी ढल के इधर चला गया यहां पर, मतलब ढलान यहां पर है, आपका ढलान यहां पर है। यहां ढलान होने से प्रॉब्लम क्या होगी, यहां पर ढलान आप रखेंगे तो कभी भी यहां रूम तो रखेंगे नहीं। जो रूम होता है ना, आप जिसमें सोते हैं उस रूम की तरफ तो कभी ढलान होगा नहीं कि पानी फैला और रूम में चला जाए। आप ढलान वहां रखेंगे जहां आपका बाहरी पोर्शन हो, जहां गेट जा रहा हो, पानी फैल जाए तो कुछ ऐसी जगह पे जाए जहां से बाहर निष्कासित हो। आपका रूम सीधा सीधा बाहर से कनेक्टेड नहीं रहेगा, किसी भी नाली से या किसी रोड से सीधा सीधा कनेक्टेड नहीं रहेगा कि यहां कुछ फैला दो और पानी बाहर निकल जाए, ऐसा रूम नहीं रहेगा। अगर आप इस एरिया में कंस्ट्रक्शन रखते हैं तो इस एरिया में ढलान रहने का कोई सवाल नहीं आता सीधा। ये ढलान इसलिए इसका कॉन्सेप्ट आया कि ढलान इस ढलान से ये प्रॉब्लम होगी। अगर इसको आपने ढलान रखा तो इधर कंस्ट्रक्शन नहीं रखेंगे, फिर कंस्ट्रक्शन आपको दूसरी तरफ देना पड़ेगा। तो ढलान का कॉन्सेप्ट यहां से आया हुआ है। अब यहां पर अगर पानी फैले और ये इधर जाए तो ये इधर ढलान हो गया ना, इधर हमें बनाना है, इधर बनाना है और इधर नहीं बनाना है, इधर ढलान जाए वो भी अच्छा हो गया क्योंकि इधर हमें नहीं बनाना है, उधर पानी उधर नीचे रहना ही चाहिए, अपेक्षाकृत ये ऊंचा हो और ये नीचे हो, ये भी बोल सकते हैं। अब चलिए हम चलते हैं दिशाओं पे, कौन सी दिशा का ढलान कैसा रहता है। नॉर्थ में ढलान हो, जो शास्त्र कह रहा है वंश वृद्धि होती है, नॉर्थ ईस्ट में ढलान हो तो
तो रत्न लाभ होता है, ईस्ट में ढलान हो तो लक्ष्मी प्राप्ति होती है। अब देखिए ये नॉर्थ से लेकर और ईस्ट तक, यहां तक उसी वही जो रूल हम पहले तक पढ़ते आ रहे हैं उसी हिसाब से है, नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक यहां पर ढलान होना चाहिए, अच्छा ही अच्छा होता है। यही ढलान साउथ ईस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक हो तो गलत होता है, बुरा होता है, ये बैड है। बैड के अलग अलग नाम है, बैड का एक नाम है साउथ ईस्ट में शोक होता है, साउथ में मृत्यु है, साउथ वेस्ट में डर है, वेस्ट में कलह है और नॉर्थ वेस्ट में फिर मृत्यु है। मृत्यु इन द सेंस मृत्यु सम कष्ट होता है। डर साउथ वेस्ट में जो होता है ना ये भ्रम फैलाए रहता है, एक अलग इल्यूजन सा पैदा हुआ रहता है, डरा हुआ रहता है, ऊपरी छाया बाधा इस टाइप में भी ऐसे प्लॉट पर रहने वाले लोगों के साथ होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आठों दिशाओं के डिटेलिंग में जाएंगे कि कौन सी दिशा में ढलान होने पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, क्या क्या अच्छा होता है, क्या क्या खराब होता है। ठीक है, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी करें, दूसरों के लिए शेयर भी कर दें ताकि वो इस विद्या को सीख पाए।